फिर भी दोस्तों, मैं हूँ आपको फ्रेंड एम एल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ से ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों, आज कितना टॉपिक है कोई धन ऐसी सीरीज नहीं, कोई धन 12% दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये होता है तो मूलधन गेट कीजिए। दोस्तों, मूलधन 2 वर्ष के लिए, जब 2 वर्ष के लिए दिया है और अंतर दिया है तो क्या फार्मूला होगा दोस्तों? डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। डी का मतलब डिफरेंस कितना है 180, और पी प्रिंसिपल कितना है ज्ञात करना आप लोगों को, आर दर कितना है 12%, तो 12 12 144, और नीचे 100 × 100। तो दोस्तों, अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए, 12 से काटेंगे तो 12 12 144, और 12 × 12 और 6 6 12 60। 3 से काटेंगे 3 4 12 और 3 5 15। 4 से काटेंगे तो 4 2 8 4 5 20, और ये पी का गुणा यहाँ 1 से होगा तो पी बराबर हो जाएगा दोस्तों अपना 25 5 125, और 2 सीपर यहाँ पे लग जाएगी, ये 12,500 इसका आंसर आ जाएगा। 12,500 बी ऑप्शन इसका मैच कर गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन 5% दर से कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा? दोस्तों, आपके पास 1 रुपया है, 1 से कितना बन रहा है 3 रुपये बन रहा है, तिगुना मतलब 3 रुपये बन रहा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला 2 रुपये का मिला, ठीक है। और आपको निकालना है 2 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। अब समय निकालना आपको, समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर कितनी 5, 5 से काटा 5 2 10, 20 2 40, 40 वर्ष इसका राइट आंसर सी ऑप्शन मैच कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टीवी 18,500 पर बेचने पर 20% की हानि होती है, यदि वो 20% लाभ लेना चाहे तो कितने में बेचेगा? जो बाद में पूछा उसको ऊपर रखेंगे, जो बाद में पूछा उसको ऊपर रखेंगे, यानी कि 20% लाभ यानी कि 120, 100 में जोड़ दो तो 120, 20% यानी 100 में से घटा दो यानी कि 80। सिफर सिफर कट गया, 4 2 8 4 3 12 और 2 से कट गया 2 9 18, 2 2 4 और 2 5 10, 0 और 0 दही से 3 5 15 का 5 है सिला 1, 3 2 6 1 7, 3 9 27, 27,750 सी ऑप्शन मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 से 86 कैसे बना, 11 से क्या बनने वाला? 9 से 86 बनाने के लिए दोस्तों, 9 का अगर स्क्वायर करें तो 81 में 5 जोड़ें तो 86, इसी तरह 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 126, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह 1 से 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? 1 से 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा कि वर्गों का योग, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे 20 तक का स्क्वायर का योग करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों वर्गों का योग? तो दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्या है, इनका वर्गों क्या होगा, n n+1 और 2n+1/6, तो यहाँ फार्मूला लगेगा, n का मान दोस्तों 20 हो जाएगा, तो 20 ने 21 और 20 2 40 ने 41/6, 3 से काटा 3 2 6 3 7 तो 21, 2 से काटा तो 10, 7 1 7 4 28, और 1 सिफर और यहाँ लग जाएगी 2870 2870, यानी कि सी ऑप्शन मैच कर गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।